भी जिम्मेदार है जमात को चाहने वाले मुहिबान मजलिस या सीनियर मजलिसी रुखा उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से यहाँ पर आज से 8 दिन पहले एकेएम फंक्शन हॉल के मालिक जनाब मोजम भाई साहब, जनाब फरीद साहब, जनाब नसीर साहब और खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मुहीउद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज पर आपकी नजर, हम देते हैं रोजाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसल मुहीउद्दीन के हाथों आज हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में प्राइड महबूब फंक्शन हॉल की तरफ से गजाई अजनास के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर प्राइड महबूब फंक्शन हॉल के हाजी शेख हमीद, शेख रफीद और AKM फंक्शन हॉल के मोहम्मद मौजम वगैरह भी मौजूद थे। बाद कौसल मुहीउद्दीन ने मजलिसी लीडर स्वामी यादव की तरफ से गरीबों को दो वक्त खाने के पैकेट्स की तकसीम के मरकज का मायना किया। कौसल मुहीउद्दीन ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उनके हल्के की समाजी और मुखैर शख्सियतें लॉकडाउन से परेशान हाल गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकाजात के अंदर महबूब परेड की जानिब से, जनाब हमीद साहब की जानिब से कारवान के मुख्तलिफ इलाकाजात के अंदर 200 राशन किट्स दिए गए, जिसके अंदर शबाब होटल एरिया, तोपखाना, यूसुफ नगर और मिलन मिली बेकरी इलाका और GM फंक्शन हॉल, इन तमाम इलाका जात के अंदर 200 राशन किट दिए गए। साबिका में भी सदर मोहतरम की हिदायत पर जनाब के पार्टी की जानिब से जो दिए गए थे, उसके बाद फिर आज यहां पर दिए गए हैं और इंशाल्लाह अनखरीब में जो मकानात जो छूट गए, जो मुस्तहक है, इंशाल्लाह एक दो रोज के अंदर यहां पर दिए जाएंगे। और मैं इस मीडिया के जरिए तमाम जितने भी जिम्मेदार हैं जमात को चाहने वाले मुहिबान मजलिस या सीनियर मजलिसी रुखा उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से यहाँ पर आज से 8 दिन पहले AKM फंक्शन हॉल के मालिक जनाब मोजम भाई साहब, जनाब फरीद साहब, जनाब नसीर साहब और हमारे साबिका कॉर्पोरेटर जनाब जाकिर वाकई साहब, शाकिर वाकई साहब और साथ ही साथ हमीद साहब की जानिब से सरवर नगर, जिर्रा, नटराज नगर और चंद इलाके जात के अंदर दिए जा रहे हैं कंटिन्यू, और उसी की घड़ी आज यहां पर दिए गए और इंशाल्लाह जो छुटे हुए हैं उस इलाके जात के अंदर भी दिए जाएंगे। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह और चंद दिन के अंदर जैसे कि लॉकडाउन बढ़ रहा और जैसे सेंट्रल की इत्तला आने के बाद इंशाल्लाह जो हो सकता जमात की जानिब से या मुहिबान मजलिस की जानिब से जो यहाँ के जो जिम्मेदार है उन तमाम की जानिब से इंशाल्लाह फिर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ रोडों पे मत फिरिए, अपने अपने मकानात के अंदर रहिए। हमारे जो भी जमात के जो जिम्मेदार आ रहे हैं वो घरे घर लाकर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह होने से जो कर्फ्यू के माने खत्म हो रहे हैं और इसके लिए पुलिस भी एतराज करी है। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने मकानात में रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खास तौर से सदर मोहतरम भी रोजाना कंटिन्यू आपके हल्के कारवान के आवाम के लिए फिक्रमंद है और घंटे घंटे को मालूमात करते हैं कारवान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, आवाम कैसी है। मैं आप तमाम की जानिब से मेरे सदर मोहतरम जनाब नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असलम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खास तौर से हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आपके कारवान के लिए जो दिए थे इंशाल्लाह वो भी दिए जाएंगे और यहाँ पर जो छुटे हुए हैं उन तमाम को भी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा जनाब हमीद साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का और जो जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं जमात की सदर मोहतरम की हिदायत पर उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।